सो हे टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपने लिपस्टिक का कलेक्शन। जो लिपस्टिक मैं प्रेफर करती हूँ ज़्यादातर बाहर लगा के जाना, तो उनका रिव्यू मैं आपको आज प्रोवाइड करूंगी। होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगी इन केस अगर आपको इसमें से कोई भी लिपस्टिक इन फ्यूचर में लेनी हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट लिपस्टिक जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है कोको आमू। ये शुगर की लिपस्टिक है जो कि मैंने ली थी नायका से, और ये मैंने ली थी 450 अराउंड में मैंने ये लिपस्टिक ली थी। और ट्रस्ट मी, ये बहुत ही प्यारा इसका शेड है कोको आमू का। जितने भी कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं वो इस लिपस्टिक को बहुत ही आराम से लगा सकती हैं। इसका ना तो बहुत ज़्यादा डार्क है शेड, ना तो बहुत ज़्यादा लाइट है। मैंने अभी जो कोको आमू लगा रखा है ना, ये मैंने विदाउट मेकअप, मैंने कुछ मेकअप नहीं किया है, तो भी कोको आमू देखिए आप मेरे फेस पे सूट कर रहा है। अगर आपको थोड़ा सा इन बिटवीन में कलर पसंद है, यानी कि बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, बहुत ज़्यादा लाइट ना हो, तो आप इस कलर को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। इसका जो शेड है ये आता है थोड़ा सा ब्राउनिश में, हल्का सा न्यूड में, प्लस ये नॉन ट्रांसफरेबल लिपस्टिक है, यानी कि अगर आप पानी पियेंगे, खाना खाएंगे, तो भी ये लिपस्टिक आपका होंठ से नहीं हटेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है मुझे शुगर की लिपस्टिक्स में, तो यस आप इसको खरीद सकते हैं। नेक्स्ट जो शेड है वो है मेरे पास वेरी मिलबरी 25। ये भी शुगर की ही लिपस्टिक है, और ये लिपस्टिक का शेड भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये थोड़ा सा डार्क में आता है इसका कलर। ओके, तो शुगर की मैंने जितनी भी लिपस्टिक ली है ना, शुगर की मेरे पास 5 लिपस्टिक्स है, तो ये सारी की सारी 450 के रेंज में ही है, 450 से 500 के रेंज में। अगर आपको डार्क लिपस्टिक लगाना पसंद है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर वेरी मलबरी। इसका बहुत ही प्यारा शेड है, रोज का बिल्कुल डार्क पिंक पेटल्स होता है ना, ये उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा डार्क है, तो यस डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। तो ये जो लिपस्टिक है ये हर एक स्किन टोन पे सूट करता है। तो कौन सा लिपस्टिक आपको स्किन टोन पे आपके मैच करेगी, आपको सूट करेगी, तो ये आप नायका में चेक कर सकते हैं। नायका में ये चीज़ दी हुई है आपको। नेक्स्ट कलर आई यूज इज डॉन फॉन अगेन शुगर, और ये कलर भी मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, एक्चुअली करती थी। हुआ ये है कि जब मैंने दूसरी बार जब मैंने मंगाया था ये डॉन फॉन, तो ये जो कलर आया था ना वो थोड़ा सा कॉफ़ी ब्राउन में कलर था, और बहुत एकदम ना ब्राउनिश सा शेड आता था, और लिप्स पे ये इतना ज़्यादा अच्छा लगता था ना ये कलर कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन जब मैंने थर्ड टाइम ये कलर मंगाया, तो इसमें ना थोड़ा सा जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज नज़र आया है मुझे। मुझे लग रहा है कि इन्होंने शायद से कलर कोई और होगा, बट स्टिकर इन्होंने डॉन फॉन का लगा दिया, तो हो सकता है कि ये गड़बड़ हो गई हो। बट ये डॉन फॉन कलर अच्छा है, अभी गड़बड़ आया है बट कलर अच्छा है। तो नेक्स्ट जो लिपस्टिक है वो है वूड बाय न्यूड शेड 13, और ये हल्का सा आपको पीच न्यूड में मिलता है। ये कलर मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा यू नो मेरे फेस पे ये सूट नहीं करता है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ वूड बाय न्यूड को। पर अगर आपको लाइट शेड पसंद है, अगर आपको पीच शेड पसंद है, आपको न्यूड शेड पसंद है, तो फिर आप इस लिपस्टिक को ले सकते हैं। बुरा नहीं है ये कलर, बट ठीक है, मेरा कम फेवरेट है। तो अगली है टोस्ट रोस्ट, और ये भी काफ़ी पिंकिश सा कलर है, ये पिंक और रेड का मुझे मिक्स नज़र आता है। तो कलर लिप्स पे लगाने के बाद बहुत अच्छा आता है, नो डाउट ये हर स्किन टोन पे सूट करेगा। जिनको डार्क कलर पसंद है तो उन्हें ये कलर अच्छा लगेगा, टोस्ट रोस्ट हो गया, वेरी मलबरी हो गया, तो ये सारे कलर्स उन्हें अच्छे लगेंगे जिनको डार्क कलर पसंद है। सो यस इट्स वन ऑफ माई फेवरेट शेड, बट मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि डार्क शेड होता है तो आप बहुत कम जगह पे यूज़ कर पाते हो, क्योंकि मोस्टली डेली लाइफ में सब पीच कलर, न्यूड कलर, कॉफी ब्राउन कलर यही सब पसंद करते हैं। ये सब जो कलर है उतना फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता है, बट यस इसका कलर अच्छा है, तो आप इसे पार्टी में इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे पार्टी में लगा सकते हैं, तो ये आपके फेस पे अच्छा लगता है। तो यस दिस इज टोस्ट रोस्ट। तो ये हो गई मेरी लिपस्टिक शुगर की, और ये जो शुगर की लिपस्टिक्स है ना, इसमें बहुत प्यारे प्यारे शेड हैं। इसमें आपको और भी शेड मिल जाएंगे नायका पे, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। तो शुगर की लिपस्टिक मैं डेफिनेटली बोलूँगी आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट लिपस्टिक जो मेरे पास है वो है मसाबा। तो ये मसाबा की लिपस्टिक मैंने नायका से ही ली थी। लिपस्टिक जब मैंने नायका से लिया था तो मेरे ख्याल से ये मैंने 350 के आसपास का लिया होगा, बट मैंने अभी चेक किया तो ये नायका में यही लिपस्टिक 449 अराउंड है। तो जनरली जब मुझे कहीं पे आसपास जाना होता है तो मैं यही लिपस्टिक लगाती हूँ, लगाने में थोड़ी आसानी होती है। अगर आप लिपस्टिक को पोतो भी नहीं ना, अगर आप इसको थोड़ा सा लाइट लगाओगे तो इसमें काफ़ी प्यारा टेक्स्चर आता है, और ये काफ़ी नेचुरल कलर देता है आपके लिप्स पे, तो मतलब उसमें लगता नहीं है कि आपने कुछ लगाया हुआ है। तो ये मसाबा की जो लिपस्टिक है पिंक कलर की, इसका जो शेड है वो है मी सॉफ्टली। ओके, तो अगेन मुझे लिपस्टिक जो दिखी है मेरे पास शुगर की एक और लिपस्टिक है, वो ये रेड कलर है, ये लिप क्रेयॉन है, और इसका नाम है मैट एज हेल क्रेयॉन लिपस्टिक। और ये जो लिपस्टिक है ये मैंने 750 अराउंड का लिया था, और क्योंकि ये क्रेयॉन लिपस्टिक है तो इसको लगाने में आसानी होता है। ये जो रेड कलर है ये काफ़ी प्यारा सा रेड कलर है, थोड़ा सा ब्लड रेड में है हल्का सा, पर बहुत ज़्यादा फैन नहीं हूँ मैं इस लिपस्टिक। इसमें मुझे एक दिक्कत ये लगती है कि ये जो लिपस्टिक है ना, ये आपके लिप्स पे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है, ये थोड़ा मिट जाती है।
तो नेक्स्ट है मेरे पास मेबली न्यूयॉर्क सेंसेशनल लिक्विड मैट और ये है इसका शेड नंबर 11। ये लिपस्टिक जो है इसका शेड भी न्यूड है, ये आपका हल्का सा ब्राउनिश सा आपको शेड देता है, न्यूड है। तो प्लस दूसरी है मेरे पास इसमें लैक्मे की फॉरएवर मैट लिक्विड लिप कलर और इसका जो शेड है वो है 8 न्यूड फ्रेम। तो ये दोनों शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं जब भी बाहर जाती हूँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन दोनों शेड को ही लगाती हूँ और उसमें भी खासतौर पर ये वाला शेड। तो ये जो लैक्मे का फॉरएवर मैट है ना, ये इतना ज़्यादा लाइट लगता है ना आपको लिप्स पे लगा के, मतलब लगता ही नहीं है कि आपने लिपस्टिक लगाई है। तो लैक्मे फॉरएवर मैट का मुझे प्राइस तो ध्यान नहीं है, पर ये मैंने 250 या 300 के आसपास लिया होगा। ये लिपस्टिक तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, मतलब मैं जब तक जीऊँगी मैं तब तक इस लिपस्टिक को यूज़ करती रहूँगी, तब तक मैं जहाँ भी जाऊँगी किसी भी ट्रिप पे जाऊँगी ये लिपस्टिक हमेशा मेरे बैग में रहेगी। लव दिस कलर। इस लिपस्टिक में मुझे जो एक खराबी लगती है वो ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, थोड़ा सा जल्दी वाइप आउट हो जाता है आपके लिप्स से, बट कोई बात नहीं। तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगी कि ये आपके लिपस्टिक के कलेक्शन में ज़रूर होना चाहिए, Lakme Forever Matte। नेक्स्ट है स्टे क्वर्की की, ये तीन लिपस्टिक्स, तीन मिनी लिपस्टिक्स, और ये मैंने पर्पल की वेबसाइट से लिया था और ये तीनों की तीनों लिपस्टिक मैंने लगभग 300 ईच में लिया था। और इसमें से जो ये वाला और इसमें से जो ये वाला शेड है वो है टू हॉट फॉर डेट नाइट सेवन। ये रेड शेड में आता है और क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक है तो ये आपके लिप्स पे जल्दी से मैट हो जाता है, इसका मैट फिनिश है। प्लस ये लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग है। जनरली मैं रेड कलर यूज़ नहीं करती हूँ, पर ये लिपस्टिक का जो रेड कलर है ना ये बहुत ही प्यारा है। मेरे पास शुगर का ये रेड कलर है और मेरे पास स्टे क्वर्की का ये रेड कलर है, पर मैं इस वाले रेड कलर को प्रेफर करूँगी। वो तो ठीक ही है, वो दूसरा वाला इतना कुछ खास नहीं है, पर ये कलर रेड अगर आपको पसंद है लगाना तो आप स्टे क्वर्की का ये कलर ले सकते हैं, ये आपको हर स्किन टोन पे सूट करेगा ये कलर। नेक्स्ट है स्टे क्वर्की का, एक तो है लस्ट इन माई ब्लड 25 और दूसरा वाला का इस वाले का शेड हट गया है, वो पता नहीं चल रहा है कौन सा है, पर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खास पसंद भी नहीं है। पर ये जो लिपस्टिक है लस्ट इन माई ब्लड 25 स्टे क्वर्की का, इसका भी बहुत ही प्यारा शेड आता है, इसका पिंकिश शेड है बट प्यारा पिंक है। तो ये जो लिपस्टिक है, ये जो कलर है लस्ट इन माई ब्लड 25, ये आपको हर एक कॉम्प्लेक्शन पे सूट करेगा। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो ये है रेने का फैब 5। ये जो लिपस्टिक सेट है ना रेने फैब 5, ये भी हर किसी के लिपस्टिक कलेक्शन में होना ही चाहिए क्योंकि इसमें आपको एक ही लिपस्टिक में 5 शेड मिल जाता है। इसमें जो मेरे फेवरेट शेड है ना वो है ये टॉप वाला और या तो फिर ये वाला बॉटम वाला, और इन दोनों को मैंने टॉप और बॉटम में इसलिए रखा हुआ है ताकि मैं ढक्कन हटाऊँ तो फिर मैं ये वाला शेड आसानी से लगा लूँ बिना किसी ताम झाम के। और ये मैंने नीचे इसलिए रख रखा है ताकि मैं इसको नीचे से निकाल के जो लिपस्टिक्स मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो है रेने फैब 5 लैक्मे फॉरएवर मैट, Maybelline New York, ये मसाफा का मी सॉफ्टली और ये शुगर का डॉन फॉन। तो ये जो 4-5 कलर्स है ये मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये थी आज की वीडियो, तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको जो मेरा लिपस्टिक का कलेक्शन है वो अच्छा लगा होगा। तो जितना मुझे पॉसिबल था मैंने हर लिपस्टिक के बारे में आपको उतनी इन्फो प्रोवाइड करने की कोशिश की है, बाकी की इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं नायका पे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।